दिस इज शेर ए पंजाब माशाल्लाह। मिनी सवार प्रैक्टिस करते हुए नेजाबाजी की और मिस कर गए। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच एन के ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिसाइड किया कि आज हम अपने मामू के फॉर्म पे जा रहे हैं, तो सोचा कि आपके साथ भी उसको शेयर कर दें। तो मिलते हैं उधर पहुंच के, फिर आपको बताते हैं कि हमारे मामू के फार्म में क्या क्या। सो फ्रेंड्स, मैं अभी ये अपने मामू के फार्म पे पहुंच गया हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, अनार भी लगे हुए हैं यहाँ पे। एक ये पपीता है, ये देखें केजेस प्रॉपर बने हुए हैं। ओहो, ये बीच में बीमार होते रहते हैं, मरते रहते हैं। अगर आप देख सकते हैं इनको, बहुत ही आउट क्लास है, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं मेरे मामू के। अगर आप ये बीमारी पड़ी है थोड़े दिमाग के, ये एक देखें ब्लैक हैन भी है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं। यार ये बीमारी की वजह से हमारे बहुत से जो हैं पिजन्स वो एक्सपायर हुए हैं, काफ़ी कम हो गए। ये इनकी कोई गिनती नहीं थी, ये काउंटलेस थे, बहुत ज़्यादा थे, तो अभी ख़त्म हो गए हैं। ये वो देख सकते हैं अंदर इनके बाकायदा हाउसेस बने हुए हैं, यहीं पे ये ब्रीडिंग वगैरह करते हैं और फिर फूलते फलते हैं। बीमार भी होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आप, एक्सपायर हुआ हुआ है वो एक। हम अपने दूसरे एरिया की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि उधर हमारे पास क्या क्या है। चलते हैं, चलो आज वसन। मुर्गी और उसके बच्चे, ये नीचे भी एक ऊपर भी है, मुर्गी है नीचे। सो फ्रेंड्स, हम आए तो हैं फार्म पे, लेकिन हमारे कुछ घोड़े जो हैं वो गए हुए मेले पे। और ये हमारा घोड़ा देखें आप, ये 2017 का बेस्ट हॉर्स ट्रॉफी मिली है, शेर ए पंजाब इस घोड़े का नाम है। तो काफ़ी ओल्ड हो गया, ये काफ़ी एज है इसकी, बहुत ही प्यारा है ये। ये इनके अलहदा अलहदा जगहें बनी हुई हैं। ये हमारा डॉग है, यहाँ से बाहर खुल जाए तो मैं और हसन अल्लाह की तरफ रवाना हो जाए। ये हमें स्निफ कर रहा है कि ये कौन बंदे हैं, ना करो। इन्होंने अभी तोड़ा हुआ था ये, इसने ही अपना केज तोड़ दिया था। ये अभी वेल्डिंग वाला आया हुआ था बंदा, उसने वेल्डिंग की है। और ये अंदाजन कितना खाता होगा सर? ये 10 रोटियां सुबह खाता होगा और 20 रोटियां रात को खाता होगा। ये बाकायदा इनके फैंस भी लगे हुए हैं समर केयर घोड़ों के ऊपर, 24/7 इनके चलते रहते हैं। जाओ सन, तुम घास खाओ, मैं तुम्हें डालता हूँ। तो अभी हाँ वो बाहर आने लगा है, आप भी जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सन भाग आयो, तो अब वो आ गया बाहर। दिस इज शेर ए पंजाब माशाल्लाह। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये जमीन पे पाँव मारता है, ये अपने पाँव ही खराब कर देगा, उसकी वजह से मारता है। हाँ, उस दूसरे घोड़े को देखेगा ना, उसके उसको देख के गुस्सा करता है। इसके बहुत नखरे हैं, इसी वजह से तो इसको शेर ए पंजाब कहते हैं। टाइटल इसको वैसे तो नहीं आने का,
यहाँ पे भी हमारी मुर्गियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप। जैसे ये है एक, ये मुर्गी है नीचे नहीं है, यहाँ पे एक ये मुर्गी भी बैठी हुई है। ये तो कुड़क हो गई है ब्रूडी। ये मुर्गा है एक। ओहो, सलाम करते हो तुम भी? हसन तुम क्या भूसे पे कर रहे हो? तुम्हें खाना है भूसा? खाना नहीं, चेक कर रहा हूँ कैसा है। टेस्ट करके चेक कर रहे हो? नहीं भाई। सो फ्रेंड्स ये देखें, ये उसको मिला था बेस्ट हॉर्स ऑफ 2017, मॉडल नेजाबाजी इस्लामाबाद कप 2017। बेस्ट हॉर्स ऑफ 2017 की ट्रॉफी मिली थी, जो अभी आपको हॉर्स दिखाया ना हमने उसकी सामने से करो हसन। से ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। सो ये देखें हमारे मिनी शाह सवार प्रैक्टिस करते हुए नेजाबाजी की। और उठा के ले गए लेकिन वो हवा में। तुम कैसे करोगे हसन? चलो अब हसन को एक दफा करने दो, एक दफा हसन को करने। हसन तुम भागो और पीछे ही तुम्हारे सोमी आएगा। अच्छा ये पहले ही चला, मिस कर गया थे। अब हमारे ब्लॉगर हसन, हसन ने तो पौधे को उठाने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो हमारी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हमारी एक दफा ब्लॉग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।